आए यहाँ बाहर आई, गौर फरमाइएगा, हम आए यहाँ बाहर आई, क्या दम दम लगा के तंदूरी और हे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फूड डिटेक्टिव में। मैं हूँ आपका दोस्त गौरव। तो लो भैया, एक बार फिर से हम हाजिर हो गए। रात का वक्त है और कहाँ पे हो तो मैं हूँ सहार रोड पे, जो कि अंधेरी में पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा अभी मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, तो आज है ना, जब शुरुआत वीडियो की हो ही गई है तो पुरानी चीज़ों पे अभी मिट्टी नहीं डालते, एक काम करते तंदूरी फेंक के मारते, क्योंकि अभी फिलहाल जो मैं हूँ ना, एक बहुत ही बेहतरीन जगह पे हूँ जहाँ पे मैं कुछ चिकन के आइटम ट्राई करने वाला हूँ। और ऐसी एक वीडियो आपने मेरी ऑलरेडी देखी होगी जो कि है फूड ट्रक। अगर नहीं देखी है ना तो मैं आई बटन में लगा दूंगा, वो भी देख लेना। एक काम करते चलते वीडियो शुरू करते हैं और कुछ खाते हैं और आपका प्यार वापस से पाते हैं, क्योंकि बहुत दिन हो गया है, तो कमेंट और लाइक तो आपका बनता ही है। तो चलिए क्यों ना शुरू किया जाए, आइए चलते हैं दोस्त। ओके, सो अपना ऑर्डर रेडी हो चुका है और मैंने दो चीज़ें ऑर्डर की थी, एक था तंदूरी और एक था सीख कबाब, जो कि यहाँ की खासियत है। इनका नाम ही है मरोल सीख कबाब कॉर्नर। सो, इनके यहाँ पे ये दोनों चीज़ें फेमस है, तो मैंने यही दोनों चीज़ें ऑर्डर की थी। सो, उसमें आया है एक चटनी और कुछ कांदे हैं और ये है पुदीना, और कबाब तो आपको दिख ही रहा है, तंदूरी में भी इसी तरीके का दिया गया। अब इसको खाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि जब भी हम बाहर जाते हैं, मुझे लगता है जो नॉनवेज लवर है उनको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। तो हम रोड के एकदम बगल में ही है और काफ़ी मज़ा आ रहा है, ढाबे की तरह फीलिंग है, बड़े ढाबा नहीं है, नॉर्मल सा कॉर्नर है। चलिए खा के देखते हैं कि टेस्ट कैसा है, ताकि मैं आपको बता सकूँ। ओके, तो इसको खाते हैं। ये देखिए कबाब बहुत ही बेहतरीन दिख रहा है और काफ़ी गर्म भी है, क्योंकि मैंने अभी गर्म गर्म बनवाया। तो ये देखिए काफ़ी फ्लफी है, ये अच्छा लग रहा है दिखने में। तो इसको हम थोड़ा चटनी में डिप करेंगे इस तरीके से और इसको खा जाएंगे। चिकन की कितनी भी तारीफ करूं मैं मेरी बात बता रहा हूँ बहुत ही कम है, बट ये वाकई में बहुत टेस्टी है, काफ़ी स्मूथ है, खाने में बहुत ही टेस्टी लग रहा है। और थोड़ा इसके साथ भी यूज़ करके खा के देखते हैं। ये मेरा नींबू इस पे गया, लेमन, और एक हाथ में रखेंगे यह कांदा, और ये गया यहाँ, और इसे खाते हैं। ओह आहा, बहुत ही लाजवाब है। खाने के बाद जो फ्लेवर कबाब का वो एक्चुअल में आ रहा है, इसे कहते हैं कबाब। तो आइए दूसरे डिश की तरफ चलते हैं, इसे मैं बाद में ख़त्म करेंगे। पहले आपको बता देता हूँ, फिर मैं खाऊँगा इत्मीनान से, एकदम आराम से। तंदूरी जानना है इसके बारे में कुछ, मुर्गे से बनती है। मजाक कर रहा हूँ। आपके मजाक की वजह देख रहे हो क्या क्या हो रहा है, झटके लग गया मजाक बताने में। खाते दोस्त, मज़ा आ गया, बहुत ही टेस्टी है,
बिल्कुल मज़ेदार है, खाने में बहुत टेस्टी है। आज मुझे झटका लग गया बार बार आ रहा। ओके सो खा के अपना हो गया है और मैंने एक सूप ऑर्डर कर लिया। एक्चुअली इसको बस ऐसे ही, ठंडी का मौसम है और बाहर आओ और गर्मा गर्म सूप मिल जाए तो पता नहीं कितना मज़ा आता है, तो मैं सोचा एंड भी कर देते हैं। इसके अलावा मुझे शायरी याद आ गई थी बहुत ख़तरनाक वाली, जो मैंने अभी बैठे बैठे बनाया पर नहीं सुना था, जाने तो कभी और सुना दूंगा। सो ऐसा है कि अब वीडियो को क्या करना आपको पता है, लाइक कर लो, बहुत दिन के बाद आया हूँ, बहुत दिन के बाद आए हैं, लाइक मारो, शेयर मारो, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट मारो, एक बंदा चार कमेंट मारो, क्या करेंगे, चार चार कमेंट, ठीक है। जैसा ठीक लगता है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक और शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, और अगर आपके पास कुछ सजेशन है तो लिखो ना यार कि हम कहाँ जाए, क्या करें, और वीडियो में हम क्या कर सकते हैं, क्या मैं और कॉमेडी डालूँ या सिर्फ फूड खा खा के बताऊँ, सब चीज़ें बता सकते हो। आप मेरी फैमिली हो, यूट्यूब फैमिली, समझते हैं, मैं मानता हूँ, आप मानते हैं नहीं वो मुझे नहीं पता, मानते होंगे बट ऑब्वियस। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए वही पुराना वाला करते, क्या हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, खाते रहना और खिलाते रहना। बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।